हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज के बारे में। राजस्थान का ये मेडिकल कॉलेज है, मैं आपको बता दूं, पूरा हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। कैसा कॉलेज है, नया कॉलेज है एक्चुअली राजस्थान का ये, और कितनी इसकी ओपीडी है, कैसा हॉस्पिटल है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे फर्स्ट राउंड राजस्थान का हो चुका है, सेकेंड राउंड चल रहा है, तो आपको कैसे एडमिशन मिल पाएगा, कैसे नहीं मिल पाएगा। और आप लोगों के पास है कि राजस्थान में क्या होता है ना कि फीस बहुत ज्यादा होती है, फीस ज्यादा होने की वजह से वहां पे नेगोशिएबल भी होता है, तो उसके लिए आप हम लोगों की हेल्प ले सकते हैं। हम लोग पेड काउंसलिंग करते हैं, उसमें आप लोगों को पूरा एक पैकेज में डील हो जाएगा आपका। और मेन कंसर्न ये है कि वहां पे जो फीस नहीं अपडेट हुई 30-35 लाख तक भी गई है, पर हम इस वीडियो में बात करेंगे सुधा मेडिकल कॉलेज कोटा। राजस्थान में एक सुधा मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है और व्यास हुआ है, आप लोगों को पता है जोधपुर में। व्यास पे मैंने पूरी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सुधा मेडिकल कॉलेज कोटा SMC। 2024 में ही स्टेब्लिश हुआ है, नया कॉलेज है। हॉस्पिटल ये लोग पहले से रन कर रहे थे, बट हाँ बहुत अभी बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, अभी बहुत छोटे लेवल पे कॉलेज है और हॉस्पिटल है इनका। आई थिंक 170-180 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है और नया ही हॉस्पिटल है, ज्यादा इन्हें टाइम नहीं हुआ है। तो पहले से रन करना होता हॉस्पिटल तभी मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिलता है। तो सुधा हॉस्पिटल है इनका कोटा, बहुत बार आपको मैंने बताया बहुत कम बेडेड है, तो ओपीडी भी अभी एवरेज ही है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट हाँ आने वाले टाइम पे इंक्रीज करेगी। एफिलेटेड है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से, RUHS से, और अप्रूव्ड है NMC MCI बोथ। अभी मेन कंसर्न क्या है, हम इसकी कट ऑफ की बात भी करेंगे जो फर्स्ट ईयर 2024 में गई है और आने वाले टाइम में क्या जा सकती है। फीस मैं आप लोगों को पहले बता दूं, बिकॉज जो मेन पार्ट है और सबसे पहले फीस ही, अगर आपको फीस नहीं पता, आपको कॉलेज मिल गया, तो फिर बाद में चीजें गड़बड़ा जाती है, बच्चे कॉलेज छोड़ते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी फॉरफिट हो जाती है। तो फीस मैं आपको बता देती हूँ, स्टेट की जो ट्यूशन फी है वो 18,90,000 है पर ईयर, और आपकी सिक्योरिटी, रिफंडेबल सिक्योरिटी 2.5 लाख रुपए जाती है, और एडमिशन फी 35,000 रुपीज जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फी जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन 10,000 रुपए, और अगर आप स्टेट से नहीं है, राजस्थान से नहीं, आप अदर स्टेट के हैं, तो आप मैनेजमेंट कोटा की सीट पे जाएंगे, तो उसकी आपकी ट्यूशन फी है 28,20,000 रुपए, और अदर चार्जेस जो जाते हैं 10,000 रुपए, एडमिशन फी 35,000, और सिक्योरिटी भी जाती है रिफंडेबल 2.5 लाख रुपए। ये उनका फी स्ट्रक्चर है। हॉस्टल भी मैं आपको बता देती हूँ, 2 लाख रुपए का नॉन AC ट्विन्स बेसिस शेयरिंग बेसिस हॉस्टल है, 2.5 लाख का AC है आपका, और 2.5 लाख का ही आपका सिंगल रूम अगर आप लेंगे तो AC वाला है, और अगर आप सिंगल नॉन AC है, अगर आप सिंगल रूम AC वाला लेना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए का। तो देखिए हॉस्टल आपका पार्ट है, आप 2.5 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, सारे टाइप के आपको हॉस्टल देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया फीस हाई होने की वजह से राजस्थान में नेगोशिएबल भी होता है, उसके लिए आप, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आप लोगों से कनेक्ट कर लेगी। दूसरा एक ये चीज है कि आप मेरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन एरिया में गूगल फॉर्म अटैच है, उस पर भी आप हमें कॉल, कमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आप नंबर और अपना नाम और नंबर छोड़ दीजिए, कौन सा कोर्स आपको करना है वो, तो मेरी टीम आप लोगों से खुद कनेक्ट कर लेगी। कट ऑफ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गई है, ये चीज मैं आपको भी बता देती हूँ। सुधा मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ की हम लोग बात कर रहे थे, कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड में गया, मैनेजमेंट सीट पे जाएंगे तो देखो हाई रैंक जाती है, 10 लाख के अराउंड रैंक गई है। देखो स्कोर तो वहां लो होता है, बट वहां फीस बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वहां पे आपका जो एडमिशन होता है उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो हाई है, मैंने आपको बताया। और जनरल की आप स्टेट, ये स्टेट की देखिए, अगर आपको बता रही हूँ जनरल से आप जाते हैं, मतलब स्टेट में आपकी फीस कम है, 18 लाख है, तो वहां पे आपका 7 लाख 8 लाख तक ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। अब सेकेंड राउंड में अगर आपको एडमिशन अभी चल रहे हैं राजस्थान के, काउंसलिंग चल रही है, या थर्ड राउंड में आपको पार्ट लेना है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे कॉल कर सकते हैं, नेगोशिएबल जितना ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएबल हो सकता है, हम लोग उसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर मैंने आपको बताया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आप लोगों से कनेक्ट कर लेगी। दूसरा, आपको कोई और कॉलेज पे पूरी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, वो भी मैं आपको विद इन अ वीक या विद इन अ 2 या 3 डेज में पूरा कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद लाइक शेयर कमेंट ना करना ना भूले, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स है थैंक यू सो मच, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।